रानी गाइदिनेलियु, जन्म 1915, निधन 1993। भारत की नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। उनको भारत सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में सन 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रानी गाइदिनेलियु का जन्म ननको ग्राम रांगमाई मणिपुर में हुआ था। वह बचपन से ही बड़े स्वतंत्र और स्वाभिमानी स्वभाव की थी। 13 वर्ष की आयु में वह नागा नेता जादोनाग के संपर्क में आई। जादोनाग मणिपुर से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। वे अपने आंदोलन को क्रियात्मक रूप दे पाते उससे पहले ही गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उन्हें 29 अगस्त 1931 को फांसी पर लटका दिया। अब स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन का नेतृत्व बालिका गाइदिनेलियु के हाथों में आ गया। उसने गांधी जी के आंदोलन के बारे में सुनकर सरकार को किसी प्रकार का कर न देने की घोषणा की। उसने नागाओं के कबीलों में एकता स्थापित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए कदम उठाए। उसके तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भयता को देखकर जनजातीय लोग उसे सर्वशक्तिशाली देवी मानने लगे थे। नेता जादोनाग को फांसी देने से लोगों में असंतोष व्याप्त था। गाइदिनेलियु ने उसे सही दिशा की ओर की मोड़ा। 16 वर्ष की इस बालिका के साथ केवल 4000 सशस्त्र नागा सिपाही थे। इन्हीं को लेकर भूमिगत गाइदिनेलियु ने अंग्रेजों की सेना का सामना किया। वह छापामार युद्ध और शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी। अंग्रेज उन्हें बड़ी खूनखार नेता मानते थे। दूसरी ओर जनता का हर वर्ग उसे अपना उद्धारक समझता था।